साइलेंस टू के साथ लौट रहे मनोज बाजपेयी फिर से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मनोज बाजपेयी मचाएंगे धमाल। साल 2021 में आई फिल्म साइलेंस कैन यू हियर इट में मनोज बाजपेयी की उम्दा परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया है। एसीपी अविनाश का किरदार निभाने वाले मनोज एक बार फिर इस फिल्म के साथ ओटीटी स्पेस में लौट रहे हैं। बता दें कि मनोज बाजपेयी की साइलेंस का 3 साल बाद सिक्वल आ रहा है। इस फिल्म में अभिनेता की परफॉर्मेंस के अलावा फिल्म की सस्पेंस थ्रिलर कहानी भी खूब पसंद की गई थी। लंबे समय से फिल्म के सिक्वल का इंतजार हो रहा था, आखिरकार अब फिल्म के दूसरे पार्ट का ऐलान कर दिया गया है। 3 साल बाद साइलेंस कैन यू हियर इट का सिक्वल साइलेंस 2 नाइट आउल बार शूट आउट आ रहा है। एक बार फिर मनोज बाजपेयी एसीपी अविनाश बनकर क्रिमिनल्स के छक्के छुड़ाएंगे। हाल ही में फिल्म के अनाउंसमेंट एक शानदार वीडियो के जरिए की गई है। फैमिली मैन एक्टर ने साइलेंस 2 से एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और अपना दमदार अवतार दिखाया है। वीडियो के साथ कैप्शन में मनोज ने लिखा, क्रिमिनल्स को दोबारा साइलेंट करने एसीपी अविनाश फिर से आ रहा है। वीडियो की शुरुआत एक सवाल से होती है, अपराध अपने चरम पर है, कहाँ है एसीपी अविनाश। मनोज बाजपेयी के हाथ में एक पेपर होता है जिसमें उनका ही आर्टिकल छपा हुआ है। न्यूज चैनल में भी एसीपी छाए हुए हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वह कहाँ है। फिर मनोज बाजपेयी मुड़कर कहते हैं, इन्होंने मुंबई को क्राइम कैपिटल बना दिया है, सीरियल किलर्स, हाई प्रोफाइल मर्डर्स, कॉपीकैट पैटर्न्स और पता नहीं क्या क्या। फिर उनके पास एक फोन आता है और कहा जाता है कि ऊपर से उन पर बहुत प्रेशर आ रहा है और अभिनेता कहते हैं कि बता दें एसीपी अविनाश लौट रहा है। आखिरी में मनोज बाजपेयी बोलते हैं, काफी हंगामा कर लिया इन्होंने, अब इन्हें शांत करने का समय आ गया। दोबारा आपको बता दें कि साइलेंस 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 पर स्ट्रीम होगी। अभी तक रिलीज डेट सामने नहीं आई है। ऐसे ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को भी सब्सक्राइब करें।